बदलते मौसम ने साइबर सिटी के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जुखाम, गले में खराश और खांसी जैसी बीमारियों के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अचानक से मौसम में हुए बदलाव की वजह से अस्पताल में रोजाना 50 से 60 मरीज इन्फ्लुएंजा से ग्रस्त इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो इस बीमारी में गले में खराश, नाक बहना, खांसी होना, मुंह का लाल होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस रोग से ठीक होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो जो कॉमन कोल्ड कहूँ या इन्फ्लुएंजा के उसमें कहूँ, यूजुअली सिम्टम सेम होते हैं। अगर रनिंग नोज और अगर कहूँ कि नाक का बहना या खांसी होना, ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन कोल्ड में जो नाक का बहना या स्टफी नोज या लाल होना मुंह का, ये ज़्यादा होता है। इन्फ्लुएंजा में जहाँ तक की बात है, ए हो या बी हो, उसमें बॉडी एक, सर दर्द, फीवर होना, ये ज़्यादा सिम्टम्स हैं। लेकिन चाहे वो आपके कोल्ड के हों या इन्फ्लुएंजा के हों, दोनों में ही अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ज़्यादा, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या वो लोग जिनको पहले कोई कोमोर्बिड कंडीशन है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, किडनी या अन्य कोई इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो, उनमें ये ज़्यादा देर तक रहता है। स्क्रैची थ्रोट जो है वो काफ़ी इस बार मिला है। इसमें अपनी मर्जी से आप दवा ना लें, 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं इसमें। यूजुअली 7 to 15 डेज का, जो यानी 1 से 2 वीक का इसमें टाइम पीरियड है। मैं एक अनुरोध करूंगा लोगों को, ये कंटेजियस होता है, इन्फेक्शियस होता है, आप कोशिश करें कि ऐसे में सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कोविड में अपनाते थे वही अपनाएं, या आप अपने ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में ना जाएं ताकि दूसरों को ना लगे। और जब जाएं तो आप यूजुअली अगर आपको फीवर या ऐसा कोई सिम्टम है, जब वो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए, नहीं हो आपको, यानी मेरा मतलब, तब आप अपना ऑफिस अटेंड करें। कोई सीरियस कंडीशन, आपको बुखार बहुत ज़्यादा है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, या आपका कोई बॉडी में नीलापन आता है, या अंगूठों में या नाखूनों में ऐसों में कोई अगर देखने को मिलता है, तो आप उंगलियों में या नाखून में, मैंने कहा, तभी आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको दवा लेनी है सिर्फ बॉडी एक के लिए या बुखार या सरदर्द के लिए, तो सिर्फ पैरासीटामोल का सेवन करें। अन्य दवाई, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे एंटीवायरल हो, चाहे वो स्टीरोइड्स हो, वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लें। यही मैंने आपको बताया ना कि यूजुअली इसमें 15 डेज तक भी लग रहे हैं। इसके लिए एक ये होगा कि आप ल्यूकवॉर्म वाटर से सलाइन के, जिसको हम कहना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी के साथ थोड़ा सा नमक डालकर आप उसको गरारे करें, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए और बी में जो कफ है वो परसिस्ट कर सकता है, और पोलन एलर्जी में भी कफ परसिस्ट कर सकता है, पर्टिकुलरली जो कोमोर्बिड कंडीशन है, जो प्रायर अस्थमेटिक है, उनमें थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है। मौसम की मार और होली का त्यौहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहीं डॉक्टरों की माने तो आने वाले दिनों में मौसमी बीमारियों के रोगियों में और अधिक इजाफा देखने को मिलेगा, इसलिए सतर्क रहे और स्वस्थ रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।